स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिम तक पर। आज हम बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की। और पहले कि आप अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, जो बोरन हेस्टिंग्स के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, उस पर बोरन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में जो भी घटनाएं हुई, जो इनके कार्य थे, वो उस पर हमने आपको पहले जानकारी दी थी। परंतु फिर एक बार बोरन हेस्टिंग्स के बारे में आपको जानकारी हम आपको दे देते हैं। 1773 से लेकर 1785 तक वो भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे। उनके कार्यकाल की जो मुख्य घटनाएं थी, पहला और दूसरा जो अंगल मराठा युद्ध था वो लड़े गए, ठीक है। 1775 से 82 तक वो युद्ध शुरू हुए थे और 82 से 84 तक फिर दूसरा युद्ध शुरू हुआ, 82 से लेकर 84 तक मैंगलोर की संधि से वो दूसरा अंगल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना बोरन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई। कोलकाता में पहले मदरसे की स्थापना 1781 में उनके कार्यकाल में हुई थी। 1782 में जोनाथन टंकन ने बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की और बोरन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही पेस्ट इंडिया एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके विरोध में उन्होंने फिर अपने पद से रिजाइन कर दिया था। बोरन हेस्टिंग्स ने 1785 में जब इंग्लैंड पहुंचे तो उन पर महाभियोग चल पड़ा। महाभियोग क्या होता है? किसी अधिकारी के ऊपर धोखाधड़ी या देश के साथ धोखा करने का आरोप लगाकर उनके ऊपर महाभियोग चलाना, ठीक है। तो वो चला दिया गया 1785 में। 10 साल वो भटकते रहे, फिर उसी में 1795 तक वो महाभियोग चला, अंत में उनको बरी कर दिया गया। उसके बाद जो सर जॉन मैक्सपरन थे, उनको 1 फरवरी 1785 से 17 दिसंबर 1786 में तक अस्थायी जनरल नियुक्त किया गया वेस्ट बंगाल का, ठीक है। उसके बाद जो आज हम बात करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस की, 12 सितंबर 1786 से लेकर 28 अक्टूबर 1793 तक तीसरे गवर्नर जनरल ये भारत के रहे थे। पहले थे बोरन हेस्टिंग्स, दूसरे थे सर जॉन मैक्सपरन और तीसरे थे ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसके ऊपर आज हम आपको बताएंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। तो जो इनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी और जो भी काम इन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हुए किए, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला जो इनका सबसे बड़ा काम था, भारत में सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक इनको कहा जाता है, ठीक है। जिस प्रकार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी लॉर्ड जो बोरन हेस्टिंग्स थे, उनके द्वारा बोरन हेस्टिंग्स द्वारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, उसी प्रकार से ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान कार्यकाल के दौरान उन्होंने ये 1885 में 1885 में ये इस जो सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का इनकी शुरुआत कर दी थी, ठीक है। हालांकि इनका कार्यकाल 86 से शुरू हुआ था, परंतु जो प्रोसीजर था वो शुरू हो चुका था पहले से, परंतु लागू जो था इनके कार्यकाल में हुआ था, तो इनको भारत में सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। अगली बात करेंगे भारत में जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दिए गए। तो इससे पहले थे जो अधिकार थे वो खुद कंपनी के पास होते थे, परंतु बोरन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बने थे, उन्होंने अपने जो जिले के जितने भी अधिकार थे जिले डिस्ट्रिक्ट के, वो कलेक्टर को दे दिया। और कलेक्टर फिर पूरे जिस प्रकार की आज या आप व्यवस्था देखते हैं अपने आसपास, जैसे आपको पता होगा कि आज जो जिला होता है उसका मुखिया जो IAS अधिकारी या DC या कलेक्टर होता है, तो उसी प्रकार से ये व्यवस्था उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई थी। बोरन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में जो काम हुए वो ही उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने कार्यकाल में किए थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में ये सिविल सेवा का जनक माना जाता है, ठीक है। अगली जो सबसे बड़ी घटना और जो मुख्य भूमिका थी इनकी, वो तीसरा अंगल मराठा युद्ध 1790 से 1792 तक इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और इस युद्ध का निष्कर्ष क्या निकला वो पूरी जानकारी आपको हम अगले पार्ट में बताएंगे। और 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था, क्या बंगाल बिहार और उड़ीसा के जो भूमिकर थे उनके लिए ये लगाया गया था स्थायी बंदोबस्त। और इसमें क्या हुआ वो हम आज आपको बताने वाले। हुआ कि स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का, ठीक है, लगभग 90% जो कंपनी को देना पड़ता था टैक्स, ठीक है, कर, और 10% अपने पास वो रख सकते थे जो भूमि के मालिक थे, ठीक है। वो 90% जो कर था वो भूमि का कर वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे और 10% वो अपने आप अपने पास रख सकते थे। तो इस प्रकार से ये बंगाल बिहार उड़ीसा भूमि कर ये स्थायी बंदोबस्त के तहत इसमें लागू किया गया और उनको किसानों को भरोसा दिया गया कि आप अपनी भूमि के स्वयं मालिक है। तो ये थे 1973 का जो
स्थायी बंदोबस्त था। अगली बात जो हम बात करेंगे, पुलिस थाना की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में की गई, जिसमें एक दरोगा को इंचार्ज बनाया गया। तो पुलिस जो आज थाना जिसको हम कहते हैं, इन्हीं के शासनकाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में शुरू किया गया था, और इसमें एक दरोगा को नियुक्त किया गया, एक इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया, और उसी को इसका इंचार्ज, एक थाने का इंचार्ज दिया गया। और महत्वपूर्ण भूमिका और उनका कार्यकाल, जो दूसरा कार्यकाल था, ठीक है, जो परंतु जो मुख्य घटनाएं थी वो हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद जब ये 1795 से 93 से लेकर जब भी ये कार्यकाल में रहे, ठीक है, 1786 से लेकर 1793 तक ये अपने कार्यकाल में रहे। उसके बाद जो इनका दूसरा कार्यकाल था वो था 30 जून 1805 से लेकर 5 अक्टूबर 1805 जब इनकी नियुक्ति हुई। तो उसके बाद जो पिछले इन्होंने काम किए थे अपने गवर्नर जनरल रहते हुए, उसके बाद इनको फिर से इसी पोस्ट पर अपॉइंट किया गया, परंतु उनके कार्यकाल में उनकी मृत्यु होगी। तो ये थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो भी काम थे और जो आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी जानकारी। तो आप पूरी जानकारी के लिए अगले पार्ट के लिए अगले गवर्नर जनरल जो थे उनके हम आपको जानकारी दे देंगे। और इसमें हम आपको कुछ और ऐड कर देते हैं, सर जॉन शोर 1793 से लेकर जो 1798 तक जो इसके बाद बने थे, ठीक है, 1805 से पहले जो 1793 के बाद जो गवर्नर जनरल रहे, ठीक है, उसके बारे में हम बता देते हैं। सर जॉन शोर 1793 से 1 मार्च 1798 तक वो गवर्नर जनरल रहे थे, सर जॉन शोर। आज तक सेब की नीति उन्होंने अपनाई, कारदा का युद्ध जो था वो उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना थी, और मराठों और निजाम के बीच लड़ा गया युद्ध जो था कारदा का युद्ध 1795 में हुआ था, ठीक है, 1795 में कारदा का युद्ध हुआ था सर जॉन शोर के समय में। उसके बाद जो अगले गवर्नर जनरल थे वो थे सर अलर्ट क्लार्क 1798 से 1798 तक ही रहे, मार्च से मई तक 3 महीने का कार्यकाल रहा, अस्थायी पद पर ये रहे। फिर इनको जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इनको नियुक्त किया गया, तो इनके कार्यकाल में इनकी मृत्यु होगी। अगले गवर्नर जनरल पर हम आपको पूरी जानकारी अगले पार्ट में देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। आज के लिए इतना, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस प्रकार की नॉलेज की बातें मिलती रहे। आज के लिए इतना, नमस्कार।